जो मुसलमानों के घर पैदा हुआ इस्लामी माहौल में रहता उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। उसे पूछ लो, वो बताएगा बकरी हलाल है, वो बताएगा मुर्गी हलाल है, वो बताएगा फलां चीज हलाल है, और ये भी कहेगा ये चीज हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये बच्चे को भी बताए। तो फरमा इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हरामा, हलाल भी वाजे और हराम भी वाजे, और उसके दरमियान कुछ शुबे वाली चीजें, कुछ चीजें वाजे हैं कि ये हलाल है, कुछ चीजें वाजे हैं कि ये दरमियान में कुछ चीजें हैं कि जिसमें कोई शुबा है। ज्यादा लोग नहीं जानते उन्हें, उलमा ही जानते हैं। किसी ने कहा कि यार ये पता नहीं हलाल है, किसी ने कहा पता नहीं हराम है। अब सुनो ज़ाब्ता मेरे हुजूर ने बयान किया, जिसने अपने आप को शुबे वाली चीजों से बचा लिया, जो शुबे वाली चीजों से बच गया उसने अपना दीन भी बचा लिया, अपनी इज्जत भी बचा ली। आपको ये यकीन है कि ये खाना जो पका है बिल्कुल ठीक है, सेहत अफजा है, तो आप उसको रगबत से ले लेते हैं, और एक खाने का पता है कि ये इंतहाई खराब है और मुजरे सेहत है, तो आप उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, और एक के बारे में आपको शक है पता नहीं सही है कि पता नहीं खराब है, तो कभी भी अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला उस मशकूक खाने को नहीं खाएगा। इसलिए दीन के मामले में भी ऐसे करो कि जिसके बारे में तुम्हें शक हो उसको छोड़ दो और उसको इख्तियार करो जिसके बारे में शक ना हो। और फिर इरशाद फरमाया जो शुबे वाली चीजों में पड़ गया वो हराम में पड़ गया। जिस तरह कोई शख्स किसी चरागाह के गिर्द अपने जानवर चराता है, सरसब्ज चरागाह है, और उसके आसपास अपने जानवर रखता है, तो कभी तो कोई बकरी, कभी तो कोई भेड़, कभी तो कोई जानवर अचानक जाके दूसरे की चरागाह के अंदर मुंह मार लेगी, तो फिर जरूरत ही क्या है उसके करीब जाने की। तो कहा जो हराम के करीब जाएगा एक दिन हराम में मुबतला हो जाएगा। हर बादशाह की कोई चरागाह होती है, उसने एक मखसूस चरागाह रखी होती है, उसमें उसके जानवर चरते हैं और किसी का जानवर उसमें वो आने नहीं देता। बादशाह की गैरत होती है, उसने बाड़ लगाई होती है, लेकिन अगर कोई उस चरागाह को उबूर कर ले तो वो बादशाह जो है वो गैरत की वजह से उस जानवर को फिर छोड़ता नहीं है कि ये मेरी चरागाह में आया क्यों। तो फरमाया अल्लाह की चरागाह खास उसकी हराम करदा चीजें, वो गवारा नहीं करता कि कोई हराम में मुबतला हो। ये सारी कहानी बयान की हुजूर ने, फिर उसके बाद हुजूर ने इसको मजीद खुलासे के तौर पे मुख्तसरन बयान फरमाया, मेरे जानो दिल हुजूर पे कुर्बान, कायनात में ऐसा फसीह नहीं हुआ कोई जैसे मेरे हुजूर फसीह हैं। यानी जो हदीस नूर आपने पढ़ी इसका एक एक हर्फ वाजे, एक एक लफ्ज रोशनी दे रहा है, और ये मंजल नवाज हदीस है, ये हमारी जिंदगी के अंदर हमें खैर और शर की पहचान करवाने वाली है। लेकिन उसके बाद फिर मेरे हुजूर ने इसको दूसरे पैराए में बयान किया, और कितना खूबसूरत अंदाज है, सुन लो। इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला वहियल कल्ब, गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। दिल अगर ठीक हो गया तो पूरा जिस्म, और दिल खराब हो गया तो पूरा जिस्म खराब हो गया। इसलिए वो रूमी ने कहा था दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबर अस्त, दिल को काबू में ले आ, ये हज्जे अकबर है। वहां तो फेरे काटे लेकिन तेरा दिल कहीं और था, तो कहा नहीं, दिल बदस्त आवर के हज्जे अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त। कहा कि हजार काबे से एक दिल बेहतर है। क्यों? काबा बुन गाहे खलील अतहर अस्त, काबा हजरत इब्राहिम की गुजरगाह है, दिल गुजरगाह है जलील अकबर अस्त, और दिल रब्बे जलील की गुजरगाह है। और इकबाल बोला खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है। इतनी बड़ी कायनात छोटे से दिल में कैसे आ गई? इकबाल ने कहा मैं बात दलील से कर रहा हूं, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। इसलिए इसका कंट्रोल कर लेना, इसका काबू में करना। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि अपने दिल को काबू में कर लो।